Hello students, welcome to VPIC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका English literature में sorry English grammar में synthesis के अंतर्गत simple sentence का study कराया जा रहा है. बच्चों आपने अभी तक simple sentence के अंतर्गत participle, nominative, absolute participle और उसके बाद में एडजेक्टिव का स्टडी किया है. तो बच्चों आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं, वो है यूज ऑफ एडवर्ब. यानी सिंपल सेंटेंस में हमें किस प्रकार से एडवर्ब का यूज करना है, तो यहाँ पर हम इन चीज़ों को जानेंगे. तो शुरुआत करते हैं बच्चों टॉपिक की. हेडिंग है आपका यूज ऑफ एडवर्ब या और एडवर्बियल फ्रेज. तो ये क्वेश्चन का टॉपिक है आपका. तो बात करेंगे पहले एडवर्ब की. तो रूल है हमारा एडवर्ब साधारणतया एलवाई का प्रयोग करके बनता है. एडवर्ब साधारणतया एडवर्ब साधारणतया एलवाई का प्रयोग करके बनता है. एडवर्ब साधारणतया एलवाई का प्रयोग करके बनता है. यदि एक वाक्य के कुछ शब्द यदि एक वाक्य के कुछ शब्द यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं. तो यहां पर अब हमें जानना है पहले रूल के बारे में, फिर हम लोग एग्जांपल में आएंगे. तो पहले रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यहां पर रूल की बात करें तो यूज ऑफ एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज में है हमारा रूल एडवर्ब साधारणतया एलवाई का प्रयोग करके बनता है. पहली बात, यदि हमें अगर एडवर्ब बनाना है तो एलवाई का प्रयोग करेंगे. अब एलवाई का प्रयोग कहां करेंगे, जिसको वो मॉडिफाई करेगा. ठीक है, पहली बात तो ये रहेगा. अब दूसरा रूल है कि यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो, ध्यान से सुने, यदि एक वाक्य के कुछ शब्द मिलकर एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं. तो यहां पर ये दो चीजें के बारे में बात हुई है. अब जानेंगे कि ऐसे कौन से शब्द हैं जहां पर उनको हम एडवर्ब के रूप में यूज कर सकते हैं. पहले उन शब्दों को जानना आवश्यक है. तो चलते हैं वर्ड और एडवर्ब. अब पहले रूल को फॉलो करते हैं हम लोग. पहले यदि जो भी शब्द होंगे उनमें एलवाई जोड़ करके हम लोग क्या बनाएंगे, एडवर्ब. तो बात करें जैसे स्लो, स्लो मतलब धीमा, इसका एडवर्ब क्या होगा, एलवाई लगाना, तो क्या हो जाएगा स्लोली. फास्ट तेज, क्या हो जाएगा फास्टली. अगले की बात करें इसे बोलते हैं हैप्पी, हैप्पी का हैप्पी. रैपिड मतलब तेज होता है, रैपिड का होगा रैपिडली, रैपिडली मतलब तेज, बहुत तेजी से. केयरफुल, केयरफुल का केयरफुली, यानी एलवाई लगाना है केयरफुली. फूलिश मतलब बेवकूफ या मूर्ख, फूलिश का होगा फूलिशली. अगले की बात करें
जैसे बोला जाए सक्सेसफुल, ये पहले फर्म देखते हैं, फर्म माने दृढ़ या निश्चय, तो होगा फर्मली, फर्मली सक्सेसफुल बात करें सक्सेसफुल तो हो जाएगा, एलवाई लगाना तो क्या होगा सक्सेसफुली। सक्सेसफुली तो इस प्रकार के एग्जांपल्स रहेंगे, और बताते हैं कुछ अभी और बाकी हैं। बात करें सर्टेन, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, सर्टेनली हो जाएगा इसका, सर्टेन का सर्टेनली, श्योर मतलब निश्चित होता है, इसका हो जाएगा श्योरली। अगर बात करें डिफिनिट, D-E-F-I-N-I-T-E, definite, definite होगा definitely, definitely, punctual, नियमित, punctually, regular, regularly, कार के एग्जाम्पल्स भी आपको आएंगे। और बताते हैं हरी, हरी माने जल्दी, है ना, जल्दी हरी करें हरी, तो हरी का होता है हरीडली, एडवर्ब, हरी का हरीडली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको वाक्य में मिलेंगे देखने के लिए, और अधिकतर आपको ये वर्ड मिलेंगे जिनको हमें वाक्य सिंपल सेंटेंस बनाते समय एडवर्ब के रूप में लिखना होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे आप लोग कि एडवर्ब कैसे बनाते हैं, साधारणतः एलवाई जोड़ करके, एलवाई जोड़ना किसमें है, जिसको वो हमें मॉडिफाई करेगा, जिसके बारे में हमें विशेषता बताएगा, ऐसे शब्द यहाँ पर यूज किए जाएंगे। तो हमने रूल को आपको इंक्लूड किया, जैसे कि कोई शब्द आपको बोले थे कि सर्टेन का एडवर्ब होगा सर्टेनली, श्योर का श्योरली हो जाएगा, डिफिनिट का डिफिनेटली हो जाएगा, पंचुअल का पंचुअली हो जाएगा, रेगुलर का रेगुलरली हो जाएगा, हरी का हरीडली हो जाएगा, हमने स्लो का स्लोली, फास्ट का फास्टली, हैप्पी का हैप्पीली, हरी का हरीडली, केयरफुल का केयरफुली, फर्म का फर्मली, पोलिस का पोलिसली, यानी विभिन्न प्रकार से जो शब्द आते हैं उनको हमने यहाँ पर आपका मेंशन किया है। तो अब ये चीज़ जानना बहुत आवश्यक है कि एडवर्ब इस प्रकार के शब्द हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो अब चलते हैं बच्चों अपने एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल की बारी है, तो रूल है आपका एडवर्ब साधारणतः एल वाई का प्रयोग करके बनता है, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको जानना बहुत आवश्यक है। तो रूल है के अकॉर्डिंग बात करेंगे एग्जाम्पल में, तो रूल नंबर वन है यहाँ पर एडवर्ब का, एडवर्ब साधारणतः एल वाई का प्रयोग करके बनता है, तथा इसका प्रयोग तथा इसका प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, तो एडवर्ब साधारणतः एलवाई का प्रयोग करके बनता है, तथा इसका प्रयोग वाक्य के अंत में करते हैं, अधिकतर जो है अंत में ही किया जाता है, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखें, एलवाई का प्रयोग करना है लेकिन अंत में, ठीक है। दूसरी बात, एडवर्ब का साधारणतः एलवाई का प्रयोग करके ही बनता है, इन दो चीजों को बहुत गंभीरता से स्टडी करने होंगे रूल से। तो बात करेंगे एग्जांपल्स की, एग्जांपल से बात करें, द रोज हैज थॉर्न्स, द रोज हैज थॉर्न्स, गुलाब में कांटे होते हैं, दिस इज सर्टेन, दिस इज सर्टेन, यह निश्चित है, गुलाब में कांटे होते हैं यह निश्चित है। तो क्या करोगे, पहले
द रोज हैज फ्लावर्स, पहला वाक्य जो लिखा है उसको आप लिखेंगे जिसमें एरोमा नहीं है, द रोज हैज थॉर्न्स, गुलाब में कांटे होते हैं। अब जब दूसरे वाक्य में जाते हैं तो हमें एरोमा मिल जाता है, इसको हमें एरोमा बनाना होता है। तो जब वाक्य हल करेंगे तो पहले उस वाक्य को लिखें जिसमें एरोमा बना हो, तो पहले वाक्य में एरोमा नहीं था हमने पूरा लिख दिया। अब हमें दूसरा वाक्य की तरफ जब देखते हैं तो वाक्य में एरोमा समाहित है, इसे तो हमें बनाना है, तो सिर्फ एडवर्ब को ही लिखा जाएगा, बाकी किसी भी शब्द को लिखा नहीं जाएगा। तो द रोज हैज थॉर्न्स, क्या बचा है सर्टेन, इसका एडवर्ब क्या होगा सर्टेनली, बस इसको लिख दीजिए। तो द रोज हैज थॉर्न्स सर्टेनली। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी, इट्स फ्लो वाज स्लो, इसका बहाव धीमा था। तो पहले क्या करें, जो लिखा है पूरा लिखें जिसमें एरर नहीं है। द रिवर वाज फ्लोइंग, नदी बह रही थी। अब जो ये लिखा है स्लो, इसका एडवर्ब क्या होता है स्लोली, सिर्फ एडवर्ब को लिखना होगा स्लोली, तो अर्थ क्या निकला, नदी धीरे धीरे बह रही थी। ये क्वेश्चन आपका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ही प्लेड क्रिकेट, He played cricket, उसने क्रिकेट खेला। He played it happily, उसने क्रिकेट खेला, उसने इसे प्रसन्नता पूर्वक खेला। अब यहां पे बात करेंगे, जैसे कि आपने कहा यहां पर पहले से एरर बना है, जब पहले से ही शामिल हो तो और भी अच्छी बात है कि हमें एरर बनाना नहीं पड़ेगा। तो क्या ऐसा निकलेगा ऐसी कंडीशन में, ही प्लेड क्रिकेट अब एरर पहले से ही बना हुआ है, तो सिर्फ उसको लिख दे, क्या बचा हैप्पी, उसने प्रसन्नता पूर्वक क्रिकेट को खेला। तो ये क्वेश्चन है। अगले एग्जांपल की ओर चलते हैं, तो अगला एग्जांपल है ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, ग्रेट पीपल सर्व देयर कंट्री, महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं। Dear service is selfless, उनकी सेवा स्वार्थ रहित होती है। महान लोग अपने देश की सेवा करते हैं, उनकी सेवा स्वार्थ रहित होती है। तो क्या करेंगे, अब पहला वाक्य पूरा लिखे भाई, और जिसमें फिर एरर ढूंढेंगे क्या है। तो ग्रेट पीपल सर्व डियर कंट्री, ग्रेट पीपल सर्व डियर कंट्री, अब क्या बचा है सेल्फलेस, को क्या करेंगे हम एडवर्ब बनाएंगे, तो क्या होगा एलवाई लगाना है सेल्फलेसली, तो अर्थ क्या निकला, महान लोग अपने देश की सेवा स्वार्थ रहित होकर के करते हैं। तो ये आंसर निकला, और कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं, तो समझते रहें एडवर्ब का प्रयोग एलवाई का जोड़ने से बनता है, इस चीज को आप
बिल्कुल दिमाग से रखने अपने माइंड में। तो अगला क्वेश्चन की बात करेंगे अब यहाँ पर, जैसे आई थैंक्ड हिम, आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया, आई डिड इट, आई डिड इट विद ऑल माय हार्ट, मैंने उसे धन्यवाद दिया, मैंने ऐसा पूरे दिल के साथ किया, यानी पूरे मन से किया। तो क्या कहेंगे, पहला वाक्य पूरा लिखें भाई, आई थैंक्ड हिम। अब दूसरे वाक्य में हमें क्या ढूंढना है, एडवर्ब, एडवर्ब क्या बनेगा, हार्ट, हार्ट का एलवाई जोड़ना है तो हार्ट ली हो जाएगा, आई थैंक्ड हिम हार्टली, मैंने उसे दिल के साथ यानी मन से धन्यवाद दिया। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। एक और क्वेश्चन है, ही डिड हिज वर्क, उसने अपना कार्य किया, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट, ही वॉज नॉट केयरफुल अबाउट इट। क्वेश्चन कह रहा है उसने अपना कार्य किया, वह इसके प्रति अपने कार्य के प्रति केयरफुल नहीं था, केयरफुल नहीं था तो क्या था भाई, लापरवाह था, सीधी सी बात। तो क्या कहेंगे, ही डिड हिज वर्क, केयरफुल का अपोजिट केयरलेस, तो ही डिड हिज वर्क केयरलेस ली। हेलो, तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए सी यू लेटर।